ओके जी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की हिस्ट्री की जो टाइम लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान यूएन का मेंबर बना। 1 जनवरी 1948 को हुआ क्या था कि कश्मीर के हवाले से इंडिया पाकिस्तान में शुरू में जंगे शुरू हो गई, सीज़फ़ायर यूएन ने कराई। 1 जुलाई 1948 को कायदे आजम ने स्टेट बैंक का इनोग्रेशन किया, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, 11 सितंबर 1948 को कायदे आजम की वफ़ात। 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने बनाया था। 4 जनवरी 1950 को पाकिस्तान ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना रिकॉग्नाइज किया। देखो, दुनिया ताइवान को चाइना मानती थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने चाइना को चाइना माना। यही वजह कि पाकिस्तान चाइना की दोस्ती आज तक बरकरार है। 11 सितंबर 1948 को IMF और वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप मिली पाकिस्तान को। 11 मई 1951 को हुआ क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की बुनियाद रखी गई। 16 अक्टूबर 1951, ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी के यू का टाइम है। 16 अक्टूबर 1951 लियाकत अली खान की वफ़ात हुई। 17 अप्रैल 1953 मोहम्मद अली बोगरा पी एम बने। 31 जुलाई 1954 केटू सर हुई। 1 जनवरी 1955 PIA का इनोग्रेशन हुआ। 6 अक्टूबर 1955 इस्कंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल बने मलिक गुलाम की जगह। 2 फरवरी 1957 को इस्कंदर मिर्ज़ा ने गुद्दू बराज का इफ्तिताह किया। याद रहे, इस्कंदर मिर्ज़ा का ताल्लुक मीर जाफर की फैमिली से। 24 अक्टूबर 1958 को अयूब खान को, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, इस्कंदर मिर्ज़ा ने PM बनाया था ताकि उनकी सपोर्ट हासिल हो जाए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। 27 अक्टूबर को अयूब खान ने उनको निकाल ही दिया और 2 नवंबर को मुल्क से बाहर भगा दिया। उसके एक साल बाद 27 अक्टूबर 1959 में ही अयूब खान ने फील्ड मार्शल के अहदे पर, फील्ड मार्शल क्या होता है, एक एजाजी होता है जो जनरल से भी बड़ा है। जनरल होता है 4 स्टार और फील्ड मार्शल 5 स्टार। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही फील्ड मार्शल रहे और वो कौन थे, अयूब खान।